आजकल नेता कम और बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में ज्यादा बने हुए हैं। मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी की ही तरह अब रणदीप हुड्डा भी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के ऊपर एक डर्टी जोक सुनाया, जिसकी अब जमकर आलोचना हो रही है। इस जोक के बाद सोशल मीडिया पर अरेस्ट रणदीप हुड्डा और मायावती ट्रेंड कर रहा है। दरअसल रणदीप हुड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का नाम लेकर सेक्सिस्ट और जातिवादी मजाक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रणदीप हुड्डा कहते हैं कि वो उन्हें एक डर्टी जोक सुनाना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि मायावती दो बच्चों के साथ जा रही होती है। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये बच्चे जुड़वा है, तो मायावती ने कहा कि नहीं, एक 4 साल का है, दूसरा 8 साल का है। इसके बाद वो जो कहते हैं वो लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। एक यूजर ने लिखा, रणदीप हुड्डा ये जोक नहीं है, आज तक किसी पुरुष नेता पर मजाक नहीं होता और आपने एक दलित और पिछड़ों की महिला नेता पर ऐसा अश्लील मजाक किया, ये गलत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अपने समर्थक हैं, जो उन्हें आयरन लेडी कहते हैं, और राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर उनकी हर कोई तारीफ करता है। ऐसे में रणदीप हुड्डा का ये जोक उन पर भारी पड़ सकता है। बसपा और मायावती समर्थक लगातार एक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।